हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और आपने देखा था, मैंने अभी झोली बनाई थी। तो झोली तो हम खा के एक बराबर कर चुके हैं। अभी 4:30 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं। और आप देखो कि मैं रेडी हो रखी हूँ। और आज मैंने ये न्यू कुर्ता पहना है, मेरा पर्स पड़ा हुआ है और ये कुर्ता बहुत अच्छा है, जैकेट वाला कुर्ता है, तो मैंने ये पहना हुआ है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट। तो मम्मी का जो मेन मार्केट पड़ता है ना, वो प्रेम नगर में पड़ता है। तो मैंने कहा चलो आज प्रेम नगर चलते हैं, चौक तक बहुत जा रखे हैं। प्रेम नगर में ये है कि थोड़ा भीड़ तो होगी, लेकिन थोड़ा सा अपना सेफ्टी के साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मंडे को है रक्षाबंधन और हमने अभी तक राखियाँ नहीं ली हैं। तो सोनू और मैं जा रहे हैं मार्केट तक, राखी वगैरह लेनी है और कुछ सामान और भी लेना है। और आप देखोगे मेरे कान खाली खाली लग रहे हैं ना, मुझे भी ध्यान आया। तो एयरिंग पहनती हूँ अपने, वहाँ पे रखे टीवी के ऊपर रखे हुए हैं, वो पहनने हैं मुझे। बस मैं पूरा रेडी हूँ, सोनू भी रेडी है, बस दक्ष को धूप पिला दी है वो, फिर हम लोग चलेंगे। धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर, इसलिए हमने सोचा थोड़ा लेट जाएंगे, क्योंकि फिर पहले बोल रही थी कि 3 बजे तक जाते हैं, फिर मैंने कहा बहुत धूप रहती है, फिर बाज़ार में तो और गर्मी रहती है, तो मैंने कहा नहीं शाम के टाइम चलेंगे। तो अभी हम लोग अभी जा रहे हैं, चाय वगैरह बन गई, पापा लोग पी रहे हैं, मैं तो पी नहीं रही हूँ। मैंने जो अपना ब्लॉग में स्टार्ट कर देती हूँ कि आज मार्केट जा रहे हैं आपको, मैं अपना वैसे मैंने एक बार पहले भी दिखाया है आपको मार्केट प्रेम नगर जो है, वो पहले भी दिखाया है, तो इस बार दोबारा से दिखाऊंगी, हो सका अगर मुझसे तो दिखाऊंगी। मुझे बहुत सी चीज़ें लेनी है, राखी तो लेनी है, उसके अलावा जो मैंने बताया था मिठाई वगैरह बनाऊंगी तो उसके लिए सामान लेना है एक तो मुझे, और 2-3 चीज़ें मुझे और लेनी है जो कि मेरी ख़त्म हो रखी हैं। तो मार्केट जा रहे हैं तो मैं क्यों ना मैं वो भी ले लूँ। और सोनू वहाँ पर रेडी हो गई है अभी, और दक्ष को लेकिन पता चल गया है कि उसकी मम्मी कहीं जा रही है, तो वो छोड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, चिपका पड़ा हुआ है अपनी मम्मी पे। तो सोनू बिल्कुल तैयार है, तो हम लोग अब निकलेंगे, 5 मिनट के अंदर हम निकल जाएंगे। तो सोनू भी इधर बैठी हुई है। हाय। तो सोनू रेडी है, आशी के बाल बना रही है, और ये दक्ष, तो इसको पता चल गया है कि इसकी मम्मी कहीं जा रही है, तो ये भी तैयार हो गया। मेरा कुर्ता कुछ इस तरह से है, जैकेट वाला। तो पहले मैं सोची थी इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ना ये ना ऐसे उड़ रहा है, अजीब सा लग रहा है। फिर मम्मी ने कहा नहीं अच्छा लग रहा है, बिना इसके अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा चलो पहन ही लेते हैं, अच्छा लग रहा है वैसे कुर्ता। और लिपस्टिक तो मेरी एक ही लिपस्टिक बची है, वही मैं बार बार लगाती हूँ, बाकी लिपस्टिक बच्चों ने तोड़ के रखी हुई है। तो एक मुझे लिपस्टिक भी लेनी है अपने लिए, और काजल, लाइनर, मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है, बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, कुछ महीने से बाहर जा नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज जब जा ही रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। अभी बहुत आपको शोर सा लग रहा होगा अंदर, क्योंकि दक्ष शैतानी करता है ना इसलिए। और यहाँ पे मम्मी ने चद्दर वगैरह जो है वो ऐसे लगा रखी है, क्योंकि इसमें ना खाना खाते हुए मम्मी से पानी गिर गया था, और ये दक्ष का पजामा भी सूख गया होगा, तो इसमें पानी गिर गया था, इसलिए मम्मी ने यहीं पर भी छत में बार बार जाओ, धूप बहुत है ना इस वजह से, और बारिश जैसा फिर होने लग गया है, तो बस फटाफट जाएंगे और फटाफट आएंगे, क्योंकि दक्ष को छोड़ के जाएंगे ना तो वो परेशान करेगा मम्मी को, मम्मी इतना देख नहीं पाएगी इसलिए। तो चलिए फिर मार्केट में चल के मिलते हैं आप सबसे, मैं फटाफट अपना पर्स ले लेती हूँ। हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, और मार्केट में आज बहुत भीड़ है, मतलब कि मैं मार्केट गई हूँ अभी जब से लॉकडाउन खुला है, लेकिन इतनी भीड़ मैंने देखी नहीं जितना कि मैंने आज देखी है। मतलब लोग मार्केट जाने लग गए हैं, क्योंकि एक तो राखी है, ऊपर से अब लोगों को काम है तो लोग बाहर निकल ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैं राखियाँ देख रही थी, एक जगह देखी थी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और यहाँ पर मैं दूसरी बार आई हूँ, यहाँ पर भी मुझे पसंद नहीं आई है, क्योंकि स्टॉक बहुत कम है राखियों का। और वैसे तो यार मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत अच्छी राखी चाहिए तो हम लेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ से भी राखी नहीं ली है, और फिर मैं आगे वाली शॉप में चली गई थी, वहाँ से फिर मुझे पसंद आ गई थी। यहाँ पर एक दो पसंद आ रही थी, लेकिन फिर सोनू को पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो फिर पसंद नहीं आ रही है तो मैंने कहा चलो आगे वाली शॉप में देखेंगे। तो आगे गई हूँ मैं, और आगे से फिर मुझे एक पसंद आ गई थी, अच्छी लगी मतलब मुझे राखियाँ। तो अभी हम लोग मार्केट में, और यहाँ पर बारिश हो गई है बहुत तेज की, और मास्क लगा कर और आफत आ रही है, चश्मे में भाप आ रही है, तो मैंने चश्मा निकाल दिया है, और थोड़ा जल्दी आना चाहिए था हमें। हाँ गलती कर दी, देर में आया ना, चश्मा हाथ में रखना पड़ रहा है मुझे, और जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, बारिश लगातार होती रह रही है। अभी रुकिए, इसलिए थोड़ा हम लोग चल दिए हैं। अभी मैं कॉस्मेटिक की शॉप ढूँढ रही हूँ, मुझे कॉस्मेटिक की शॉप मिल जाए तो मेरा काम सारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं कॉस्मेटिक की शॉप दिख नहीं रही है,
देख रहे हैं और बारिश हो रही है। तो फाइनली मुझे कॉस्मेटिक की शॉप भी दिखी गई थी जिसको मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, क्योंकि प्रेम नगर में हमारा मेन मार्केट हमारा तो पड़ता नहीं है, तो हमें पता नहीं है कौन से शॉप कहाँ पर है, तो ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर हमें दिखी गई थी कॉस्मेटिक की शॉप और यहाँ से जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया था, जो कि आप आगे देखोगे मैंने क्या लिया है। सामान ले लिया है अपना और गाड़ी इधर स्टैंड में खड़ी करी थी, तो बस अब घर जाने की तैयारी है। मौसम नहीं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मजा आ रहा है। ये मौसम विभाग में काम करती है। मैं आपको पल पल की जानकारी देती रहती हूँ मौसम की, कि मौसम में क्या हाल चाल हो रहे हैं मौसम के। तो अभी बादल बिल्कुल काले हो चुके हैं, बारिश आई थी, अभी दोबारा आ सकती है बारिश, और बहुत मजा आ रहा है बाहर आए, बहुत दिनों बाद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट का पता है, जब से मार्केट से मार्केट में आए हैं ना खर्च निकले, तब से मास्क हटाया नहीं हमने, और अब थोड़ा गाड़ी चली तो थोड़ा हाँ मजा आ रहा है, तो मेरे को चश्मे वापिस जा रही थी। तो अब ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा था, क्योंकि हम लोग मार्केट से आते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है थकावट से लगती है, तो फिर मैंने शूट नहीं करा। तो ये मॉर्निंग से मैं शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं जो सोफ़े कवर हैं उनको मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने वो हटा दिए थे, मम्मी ने कहा कि धोने हैं वो काफ़ी गंदे हो गए थे, बच्चे बैठते हैं उठते हैं, तो इस वजह से फिर मम्मी ने कहा ये वाले लगाने हैं आज, तो मैंने वो लगा दिए थे, और मम्मी ने जो कवर होते हैं कुशन कवर उनको मम्मी ने चेंज कर दिया था, और यहाँ पर बस सारा का सारा ये मैं कर रही हूँ, और इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, और मोस्टली नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, बर्तन वगैरह और झाड़ू वगैरह सोनू कर देती है, बाकी ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी, और भिंडी की सब्जी वगैरह प्याज वगैरह पापा ने सुबह कट कर दिया था, क्योंकि पापा आज शॉप नहीं गए हैं, आज सैटरडे है, और सैटरडे संडे वैसे आज खुला हुआ है, लेकिन पापा नहीं गए हैं, घर पर ही थे, तो सब्जी वगैरह पापा ने कट कर दी थी, और मैं सब्जी चढ़ा दूँगी, आटा गूँध दूँगी, और रोटी बना के फिर हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो ये है हमारी सब्जी जो कि अभी बिल्कुल मैंने डाली है कढ़ाई में, मैंने कहा चलो मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ एक बार कि कैसा आया है क्लोजअप, मतलब भिंडी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि घर की फ्रेश भिंडी किसने दी थी ये मम्मी को पड़ोस में से, और यहाँ पर जो मसालेदानी है मम्मी की वो भी आज मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से वॉश नहीं करी थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको वॉश कर देती हूँ, तो मम्मी को थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी।
एंड वेलकम बैक। तो ये ब्लॉग वेलकम बैक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये मेरा कल से चल रहा है, जो कि आज एंड होगा मेरे ब्लॉग का, क्योंकि कल ना क्या हुआ, हम मार्केट से आए, फटाफट नहाए वगैरह और उसके बाद तुरंत खाना बनाने चले गए। तो सोनू ने तो अपना ब्लॉग थोड़ा सा कंटिन्यू करा है लेकिन मैंने नहीं कराया, मुझे थकावट सी हो रही थी बाजार से आने के बाद, काफ़ी दिनों बाद गए थे तो अजीब सा लग रहा था, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मैंने मॉर्निंग से अपना ब्लॉग कंटिन्यू करा है और अभी हमने खाना वगैरह बना दिया है, पापा के लिए खाना लगा दिया है और बच्चों के लिए खाना लगा दिया है और अभी टाइम 2 बज रहे हैं। मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैंने सोचा कि ना सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कल मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बहुत, मैं पहले ही बोल देती हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो राखी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राखी, वो राखियाँ हैं, तो राखियाँ हैं और उसके अलावा मैंने अपने लिए 2-3 चीज़ और लिए जो मुझे ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि मैंने ज़बरदस्ती लिए, नहीं, मैं कभी फालतू लेती भी नहीं हूँ, मुझे जहाँ पर लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं फालतू खर्चे नहीं करती हूँ कभी भी, शुरू से ही नहीं करती, मेरी आदत ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको वो दिखा देती हूँ पहले। और आज मैंने ये वाले इयररिंग्स डाले हैं, ये वाले, तो ये कल सोनू ने पहने थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे उसके कानों में, तो मैंने कहा चलो आज मैं पहन लेती हूँ, इसको बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज थोड़ा सा रेडी हो, थोड़ा क्या, मैं हमेशा इतने ही रेडी होकर आती हूँ आप लोगों के सामने, बस इयररिंग्स पहन लिए दूसरे। तो चलिए फटाफट से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, मैं आपको फटाफट से राखियाँ दिखा देती हूँ और एक दो चीज़ जो मैं और लेकर आई हूँ वो दिखा देती हूँ। और ये है सामान, बहुत छोटी पॉलीथीन है तो इसके अंदर है वो सामान, मैं हटा देती हूँ और इसको मैंने सैनिटाइज करके कल बाहर ही रखा हुआ था हम लोगों ने, अभी मैं इसको उठाकर लाई हूँ बाहर से, क्योंकि आपको पता है मार्केट में कल बहुत भीड़ थी, थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको राखियाँ ही दिखाती हूँ जो कि राखियाँ ज़्यादा हैं, तो मैं पहले सबसे पहले अपने भाई की राखी दिखा देती हूँ आपको। तो ये वाली राखी है जो मैंने अपने भाई के लिए ली है, ये वाली जो मैंने अपने भाई के लिए ली है। और राखियाँ इस बार मार्केट में बहुत कम है, बहुत कम, मुझे लग रहा है जो लास्ट ईयर का उनका स्टॉक है शायद वही वो लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोई कहीं से साधन ही नहीं है ऐसा राखी इधर उधर करने का, तो बहुत कम राखियाँ हैं। और ये है मेरे भाई की राखी जो मैंने अपने भाई के लिए ली है और बहुत मुश्किल से पसंद आई है क्योंकि स्टॉक बहुत कम है राखियों का। और इसके अलावा मैंने ली हैं ये वाली राखियाँ, ये वाली राखियाँ ली है, इनमें बने हुए हैं वो कान्हा जी बने हुए हैं, कृष्ण भगवान बने हुए हैं। इस तरह की मैंने 3 राखियाँ ले ली थी, 2 राखी तो आशी और ऐशु, नहीं आशी और सिया बांध देंगे रनी को, यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर है उसको बांध देंगे 2 राखियाँ, और 2 राखियाँ मैं लेकर आई हूँ दक्ष के लिए, तो ये तो वही है और एक ये वाली है, और इसमें गणेश जी बने हुए हैं बिल्कुल बीच में, यहाँ पर गणेश जी बने हैं, तो ये वाली राखी है, तो ये दोनों राखियाँ बांध देंगी सिया और आशी दक्ष को। 2 राखी ये हो गई है, मेरी वाली राखी हो गई है, और ये हम 2 धागे लेकर आए हैं, धागे और भी लेकर आए हैं जो मंदिर में लगाने हैं वो अलग धागे हैं, और ये वाले धागे ये हैं 2, हम पापा को बांध देंगे, एक सोनू और एक मैं पापा को बांध देंगे, क्योंकि पापा फिर खाली हाथ रहेंगे ना, इसलिए तो ये वाला सोनू में बांध देंगे, मतलब धागा होना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये वाली लेकर आए हैं। और बस राखी इतनी है, इतने ही हमारे भाई, मतलब इन आशीर्वाद के भाई हैं, मेरा भाई तो एक ही है, तो उसके लिए ये वाली राखी हो जाएगी। और इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ अपने लिए ये वाली बिंदी, जो कि आप मेरे फेस देख रहे हो ना यहाँ पर लगा रखी है, तो ये वाली बिंदी है वो, और इसको पता नहीं कौन सी बिंदी बोलते हैं, वाटर मतलब ड्रॉप जैसा होता है ना, वाटर का ड्रॉप होता है जैसा, वो वाली बिंदी है। तो ये कलरफुल थी, सोनू ने ली थी अपने लिए, तो मैंने कहा मेरे एक मेले भी ले ले, कभी कभी अच्छा लगता है कि मैचिंग के सूट के साथ लगाने के लिए, कुर्ती के साथ लगाने के लिए अच्छी लगती है। और मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ली है जो मेरी काफ़ी टाइम से ख़राब तो नहीं बोलूँगी, थी बहुत अच्छी, बच्चों ने तोड़ दी थी, ये वाला लाइनर लिया है मैंने, तो ये ब्लू हेवन का है, और मैं सच्ची बताऊँ मैं 10th क्लास से अभी तक ब्लू हेवन का ही लाइनर जो है वो लगाती हूँ, इसके अलावा मेरे पास उसका है मैक का है, लेकिन वो मुझे इतना पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छा है, उसकी एक तो ब्रश नहीं है, उसका स्टिक है तो वो मेरे ढंग से लगता नहीं, मेरे पास वो भी है, ये ब्लू हेवन का मुझे बेस्ट लगता है हमेशा से स्टार्टिंग से, तो ये वाला लिया मैंने अपने लिए। और काजल इन बच्चों ने मेरा तोड़ा हुआ था, जैसे कि आप सबको पता है मैं टूटा हुआ काजल वो कर रही थी, तो मैंने ये ब्लू हेवन का ही काजल लिया है, मुझे वहाँ पर दिखा रहे थे उसका ब्लू हेवन का जो पेंसिल वाला आता है वो मुझे दिखा रहे थे, लेकिन वो स्टॉक में नहीं था उनके पास, वो ख़त्म था, तो उन्होंने कहा ब्लू हेवन का ले जाओ। और मैं आपको बताऊँ क्या है, काजल आप कितना भी महंगा ले लो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो फैलता ही फैलता है, मेरी आईज में इतना फैलता नहीं, और मुझसे कोई पूछ भी रहा था दीदी आप कौन सा काजल यूज़ करते हो, तो मैं अभी ब्लू हेवन का स्टार्ट कर रही हूँ,
काफ़ी अच्छा है ब्लू हेवन का भी। और मैं दो लिपस्टिक लेकर आई हूँ अपने लिए, एक तो मैंने अप्लाई करी भी है, ये वाइन कलर की है, ये वाली वाइन कलर की है, तो ये है कलर, बहुत सुंदर कलर है ये। तो एक ये वाला कलर हो गया, और इसके अलावा मेरे पास एक ब्राउन शेड नहीं था तो मैंने अपने लिए ब्राउन शेड लेकर आई हूँ। ये दोनों कलर मुझे बहुत पसंद है, एक तो मैंने अप्लाई करा हुआ है, इसको अब लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये लिया है, मतलब इनकी मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये परचेज़ करा है, नहीं तो मैं अदरवाइज मैं इतना वो नहीं करती हूँ, क्योंकि घर में ही रहते हैं इतना लगाते नहीं है, लेकिन मैं आजकल अब ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर थोड़ा सा लगाना बनता है। तो दो लिपस्टिक लिए, क्योंकि मेरी जो वाइन कलर की लिपस्टिक थी मेरी वो बहुत फेवरेट थी, लेकिन बच्चों ने वो कैंडी के मुँह में दे दी और कैंडी ने पूरी चबा के वो तोड़ दी थी, इसलिए मैंने वाइन कलर दोबारा लिया, क्योंकि वाइन कलर मेरा बहुत फेवरेट है और ब्राउन तो होना ही चाहिए, एक सबके साथ चल जाता है। और एक मैंने क्लचर लिया है, क्लचर वहाँ पे थे ही नहीं, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे एक चाहिए था इसलिए मैंने ले लिया। तो दूसरा मैं फिर तो बाद में देखूंगी, तो ये वाला क्लचर मुझे ठीक ठाक लगा और वहाँ पे क्लचर थे नहीं तो मुझे लेना ही पड़ा, तो बस यही लिया है। और तो वो लिया है, जैसे मिठाई तो हमने ली नहीं है क्योंकि तो मिठाई बाहर की ठीक नहीं, मिठाई मैं घर में ही बनाऊंगी, जो कि मैं अब थोड़ी देर में अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगी उसमें आपको दिख जाएगा। और मैंने लिया है सोन पापड़ी वगैरह और वैसी चीज़ें ली हैं, मतलब ना देने दोने वाली चीज़ें ली हैं, तो मुझे रखना नहीं, वो दिखाना ज़रूरी है इतना, ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, और बाकी खाने खोने की चीज़ें या लेने देने की चीज़ें दिखाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैंने नहीं दिखाया। तो बस ये था हमारा राखी का छोटी सी शॉपिंग बोलूँगी, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम वहाँ पर भूल गए थे, सोनू को बाद में दिखा तो वो हमने ले ली है, वही मतलब खाने पीने की चीज़ें वो भूल गए थे हम, और सबसे इम्पॉर्टेंट वही था, तो बाद में सोनू को याद आ गया था यहाँ पर चौक में आते हैं, तो हमने फिर दोबारा से वो ले लिया था। राखी का छोटा सा शॉपिंग था मेरा, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नए वीडियो के साथ, और अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं उसमें एक मिठाई बना रही हूँ जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आप लोग भी अपने राखी में मतलब उसको बना सकते हो, अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।